तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो वीडियो में लेकर गया हूँ, ये हमारा जो आगे का टॉपिक होने वाला है ये नेटवर्क आईसी के ऊपर होने वाला है। कि जैसा कि दोस्तों आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि नेटवर्क आईसी के बारे में, कि हमारे पास जो भी बोर्ड आता है उस बोर्ड के अंदर नेटवर्क आईसी, आरएफ आईसी और WTRIC, ये ऐसी तीनों आईसी क्या होती हैं। क्योंकि जितने भी सारे रिपेयरिंग करने वाले हैं वो नेटवर्क की प्रॉब्लम को जब ठीक करना चाहते हैं या मोबाइल फोन में नेटवर्क की समस्या को रिपेयर करना चाहते हैं, तो उनको इन सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे तो मुझे नहीं लगता कि नेटवर्क की प्रॉब्लम को आसानी के साथ में वो रिपेयर कर सकते हैं। ये बात मैं 100% श्योरिटी के साथ में कह रहा हूँ। सर देखिए, हम लोग यहाँ पर जितने भी सारे बच्चों को सिखाते हैं तो बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के उनको एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में आपको समझाते हैं, जैसे कि मैं वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। इसी तरीके से क्लास में भी बताया जाता है, लेकिन क्लास में इसके बारे में और पूरा डिटेल में बताया जाता है। इसकी सारी सप्लाई के बारे में बताया जाता है, इसकी कनेक्टिविटी कैसे होती है, इनको सर्किट के माध्यम से कैसे फॉल्ट को ट्रेस करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको A to Z करके हम आपको बताते हैं। तो ये सारी वीडियो मैं आपको इसीलिए देता हूँ ताकि हमारे जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं या व्यूवर हैं जो वीडियो के माध्यम से कनेक्टेड हैं या वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं, या मैं चाहता हूं कि जो ऐसे लोग हैं जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, वो कहीं ट्रेनिंग के लिए नहीं जा सकते, या किसी कारणवश उन्होंने कहीं जाने में असमर्थ हैं, या उनकी दुकान है, या बहुत सालों से मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं लेकिन वो फिर भी मोबाइल फोन के अंदर आईसीओ को नहीं पहचान पाते, उल्टा सीधा कहीं भी हीट मार देते हैं, मोबाइल फोन खराब हो जाता है, फिर बाद में रिजल्ट आता है कि अरे फोन में तो नेटवर्क की प्रॉब्लम थी लेकिन फोन हमने डेड कर दिया। क्यों डेड कर दिया? क्योंकि हमने उस पर गलत काम कर दिया। दोस्तों, आईसी में काम करने का मतलब समझ रहे हो आप, मोबाइल फोन में लास्ट लेवल का काम करने का मतलब होता है, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो बोर्ड के अंदर आज हम लोग जो समझेंगे वो नेटवर्क आईसी, आरएफ आईसी के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको मोबाइल फोन या लैपटॉप इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स आपको सिखाए जाते हैं। यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल और एक एक करके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से लेकर के सभी चीजों के बारे में एक एक करके आपको वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप आपको सिखाया जाता है, ताकि आप सीख करके अच्छी तरीके से खड़े हो सकें, अच्छी तरीके से काम कर सकें, अच्छी तरीके से वर्किंग कर सकें। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और एक एक करके जितने भी सारे टॉपिक्स होते हैं सारे टॉपिक को हम लोग समझते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है RFIC के ऊपर होने वाला है। तो दोस्तों, WTRIC, RFIC, नेटवर्क आईसी, या आईसी ये आईसी नेटवर्क सेक्शन में लगी होती है। ये आईसी कहां पर लगी होती है? नेटवर्क सेक्शन में लगी होती है। जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सभी मोबाइल फोन के अंदर नेटवर्क सेक्शन में लगी होती है। तो ये आईसी नेटवर्क सेक्शन में लगी होती है। इसकी पहचान के लिए यह आईसी कहां पर लगी होती है? नेटवर्क सेक्शन में लगी होती है। इसकी पहचान के लिए PFO IC के पास में लगी होती है। ये कहां पर लगी होती है? PFO IC के पास में लगी होती है। दूसरी बात क्या, यदि आपके पास कोई मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन के अंदर यदि क्वालिकॉम CPU लगा होता है तो उसके अंदर WTRIC का प्रयोग होता है। यदि आपके पास कोई MediaTek का CPU लगा होता है तो उसके अंदर RFIC का प्रयोग होता है। ये RFIC जो होती है MediaTek कंपनी की होती है। उसके बाद यदि तुम्हारे पास कोई SPD CPU होता है तो उसमें से SPD का RF यूज होता है, या आप इसको भी नेटवर्क आईसी कह सकते हैं। या कीपैड मोबाइल फोन होते हैं, कीपैड फोन होते हैं, तो ये नेटवर्क आईसी जो होती है ये CPU के अंदर इनबिल्ट हो जाती है। जितने भी कीपैड मोबाइल फोन आते हैं तो सभी कीपैड मोबाइल फोन में ये नेटवर्क आईसी कहां पर इनबिल्ट हो जाती है? CPU के अंदर इनबिल्ट हो जाती है। और ये नेटवर्क आईसी खराब होने से हमारे मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आती है कि हमारे फोन में टावर नहीं आते, कि मतलब मोबाइल फोन में टावर आना बंद हो जाते हैं, ये समस्या हमारी इस आईसी के खराब होने से आती है। दूसरी बात क्या होता है, ये MediaTek की जो RFIC होती है ये आईसी खराब हो जाती है। तो RFIC खराब होने की वजह से हमारे मोबाइल फोन में कई बार प्रॉब्लम आती है कि IMEI नंबर भी शो नहीं करता।
यदि आईएमआई नंबर नहीं शो करता तो ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से भी हो सकती है। लेकिन सॉफ्टवेयर जो होने का मतलब होता है, आप सॉफ्टवेयर से इस प्रॉब्लम को तभी कहेंगे जब आप इसके अंदर बेस बैंड को देख लेंगे। बेस बैंड वर्जन को देख लेंगे। बेस बैंड, अगर आप बेस बैंड की बात करते हैं तो बेस बैंड वर्जन को पहचाने कैसे? बेस वर्जन को पहचानने के लिए आपको अबाउट में जाना पड़ेगा, अबाउट के अंदर आपको वर्जन में जाना पड़ेगा। वर्जन के अंदर आपको बहुत सारे वर्जन मिलते हैं, कर्नल वर्जन, बेस बैंड वर्जन, इस तरीके से बहुत सारे वर्जन मिलते हैं, तो वहां पर जाकर के बेस बैंड वर्जन को देख सकते हैं। अच्छा, जो बेस बैंड वर्जन होता है ये यहां पर आपको ऐसे लिखा होगा 6FY6JJ1PQ2, ऐसे एक नंबर लिखा होता है। ये नंबर अल्फा न्यूमेरिक होता है, और अगर ये नंबर करेक्ट हो जाता है तब भी आपके मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आती है कि आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क आना बंद हो जाते हैं। ये मोस्टली मीडियाटेक सीपीयू में प्रॉब्लम आती है कि अगर आरएफआईसी खराब हो जाती है तो आपके फोन में टावर आना बंद हो जाते हैं। एसपीडी, इसकी वजह से भी नेटवर्क, क्वालिकॉम, ये सारी है तो एक्चुअली में नेटवर्क आईसी, लेकिन ये नेटवर्क आईसी सभी फोनों के हिसाब से अलग अलग लगी होती है, ये भी चिपसेट के हिसाब से यूज करी जाती है। अब देखिए इसका मोबाइल फोन में रोल क्या है, ये मोबाइल फोन में काम कैसे करते हैं। नेटवर्क के लिए तुम्हारा एंटीना भी लगा है, नेटवर्क के लिए तुम्हारा पीएफओ भी लगा है, नेटवर्क के लिए तुम्हारा 4G पीएफओ भी लगा है, नेटवर्क के लिए तुम्हारा आरएफ भी लगा है। तो इन चारों पांचों आईसीयों का आपस में संबंध कैसे होता है वो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं कि पांचों आईसी आपस में काम कैसे करती हैं, काम करने का तरीका क्या होता है, उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं और एक एक करके आप लोग समझेंगे। अगर दोस्तों कोई चीज नहीं समझ में आती, कोई प्रॉब्लम आती, तो नीचे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, और हमारा नीचे दिया हुआ नंबर स्क्रीन पर 6391711711, 6391211211, इन दोनों नंबर पर किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आप इससे संबंधित अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग से संबंधित कोई बात करना चाहते हैं, तो सीधे आप डायरेक्टली मुझे आप बात कर सकते हैं और इस सब चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं कि इसको हम लोग काम कैसे करेंगे, ये हमारी आईसी जो होती है ये काम कैसे करती है, काम करने का तरीका क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहली बात सर जी, आपका एंटीना लगा होता है जिसको हम लोग एंटीना पॉइंट बोलते हैं। मैं अभी आपको इस चीज को बोर्ड में आपको दिखाऊंगा, भी प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। तो इस एंटीना के पॉइंट के बाद फिर सप्लाई आपका गोल्डन कलर का एंटीना पर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एंटीना। इंटरनल एंटीना तो सिग्नल आगे जाता है, ये सिग्नल पहुंचता है तुम्हारे पीएफओ आईसी के अंदर। पीएफओ आईसी सिग्नल को क्या काम करती है, आरएक्स और टीएक्स में कन्वर्ट करती है। ये आरएक्स टीएक्स जो सिग्नल होता है ये आगे जाता है, ये आगे पहुंचता है तुम्हारा 4G पीएफओ के अंदर। 4G पीएफओ क्या काम करती है, उस सिग्नल को आगे पास करती है और आगे पहुंचने के बाद ये सिग्नल आपका पहुंचता है WTR RF नेटवर्क आईसी पर। ये आईसी क्या काम करती है, सिग्नल को लेती है, लेने के बाद इस सिग्नल का जो कम्युनिकेशन होता है ये कम्युनिकेशन सीपीयू से कराती है। ये इसका जो कम्युनिकेशन होता है सीपीयू आईसी से कराती है। तो यानी अगर आप नेटवर्क की जहां पर रोल की बात करते हैं कि नेटवर्क का मोबाइल फोन में रोल क्या होता है, उसके लिए सबसे पहली बार एंटीना, इंटरनल एंटीना, पीएफओ, पीएफओ को काम करने के लिए वोल्टेज, उसके बाद सिग्नल आरएक्स टीएक्स, ये सिग्नल पहुंचेंगे तब तुम्हारा कहीं ना कहीं रोल आता है डब्ल्यूटीआर आईसी का, नेटवर्क आईसी का, आरएफआईसी का। इस तरीके से हमारे बोर्ड में नेटवर्क आईसी काम करती है, काम करने का तरीका होता है। चलिए हम लोग अब इसको बोर्ड में देखते हैं, बोर्ड में इसका प्रैक्टिकल करते हैं, बोर्ड में इसको पहचानने का तरीका क्या होता है कि जैसे मेरे पास बोर्ड है, इस बोर्ड में मैं आपको पहचान बताता हूं कैसे इसकी कनेक्टिविटी होती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला है कि ये सारी चीजें मैंने आपको नेटवर्क के बारे में आपको समझाया है, तो बहुत सारे ऐसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, जो लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग को यूट्यूब वीडियो के माध्यम से जो लोग सीख रहे हैं, देख रहे हैं, तो अच्छे से उनको समझ में आ रहा है, अच्छे से कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आ रही है, तो इस चीजों को, इन सारे टॉपिक को अच्छे अच्छे से वो अपने कॉपी में नोट भी कर रहे हैं। नोट करने के बाद तो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी करते हैं कि सर देखो मैं वीडियो के माध्यम से इतनी सारी चीजों को सीख रहा हूं और बहुत अच्छी बात है। और इन्हीं वीडियो को देखते देखते आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरे पास ऐसे बहुत एक पुराने स्टूडेंट है जो 6 महीने से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं और काफी सारा मोबाइल फोन में रिपेयरिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया था। वो वेस्ट बंगाल से रहने वाले हैं अभिषेक जी, और उन्होंने आज उन्होंने अपने मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स के लिए ज्वाइनिंग भी कराया है
और वो 2-3 दिन बाद मेरे पास क्लास के लिए आ जाएंगे और अच्छे से कंप्लीट कोर्स करेंगे, क्योंकि सर कह रहे हैं कि मैं वीडियो के माध्यम से तो बहुत चीजें सीख चुका हूँ, मुझे लगता है कि मैं जितना काम वीडियो के माध्यम से देख करके काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि जब मैं सीख करके काम करूंगा तो बहुत अच्छी तरीके से काम करूंगा। तो ठीक है, उनके लिए बहुत सारी अच्छी बात है कि इस तरीके से आते हैं और सीख करके जाते हैं। मुझे भी बड़ा खुशी मिलता है कि बच्चे लोग सीख करके स्टैंड हो पाए और अपने बिजनेस में सेट हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक पे चल रहे थे कि WTR IC नेटवर्क IC होती है, इस IC को बोर्ड में कैसे पहचानते हैं, बोर्ड में पहचानने का तरीका क्या होता है। बोर्ड में पहचानने के लिए इस IC के लिए हमको सबसे पहली बात, हम लोग कैमरे पर फोकस करते हैं। देखो यहां पर ये सबसे पहली बात, ये आपका एंटीना लगा हुआ है, एंटीना से यहां से सिग्नल आएगा, इस गोल्डन कलर के एंटीना पे आएगा, गोल्डन कलर के एंटीना के बाद सिग्नल तुम्हारा PFO IC पहुंचेगा। ये तुम्हारी PFO IC लगी है, PFO IC के बाद से तुम्हारा, अगर आप देखेंगे तो ये लंबी सी लगी है, ये तुम्हारी 4G PFO IC लगी है, और ये तुम्हारी जो लगी है ये तुम्हारी RF IC लगी है, जिसको हम लोग नेटवर्क IC बोलते हैं। मैं थोड़ा सा और इसको ऊपर कर देता हूँ, आपको पूरा क्लियर से पूरा आपको सेक्शन दिखाता हूँ, पूरा सर्किट दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, हमारे मोबाइल फोन में क्या होता है, जब आप देखेंगे ये आपका एंटीना लगा होता है, एंटीना के पास में जो चौकोर शेप में लगा होता है, बिल्कुल स्क्वायर शेप में लगा होता है, ये तुम्हारा 2G और 3G का PFO IC होती है। उसके बाद जो लंबा सा लगा होता है, जो आयताकार शेप में लगा होता है, इसको हम लोग 4G PFO बोलते हैं। उसके बाद जो चौकोर शेप में जो स्मॉल IC लगी होती है, इसको हम लोग RF IC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RF IC बोलते हैं। RF का मतलब होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी IC। तो हमारे मोबाइल फोन में ये एंटीना का पॉइंट लगा होता है, एंटीना के पॉइंट के बाद ये सिग्नल हमारा कहां पर जाता है? इस इंटरनल एंटीना पर जाता है। इस इंटरनल एंटीना के बाद सिग्नल हमारा जाता है, सिग्नल होते हुए ये हमारा चला जाता है PFO IC के अंदर। ये PFO IC क्या काम करती है? उस सिग्नल को लेती है, उस सिग्नल को लेने के बाद हमारा इस सिग्नल को दो हिस्सों में कन्वर्ट कर देती है। दो हिस्सों में कन्वर्ट करने का मतलब होता है, एक सिग्नल हो जाता है RX, दूसरा सिग्नल हो जाता है TX। तो ये RX TX जो सिग्नल होता है, ये RX TX सिग्नल निकलने के बाद ये सिग्नल तुम्हारा जाता है 4G PFO से, 4G PFO से सब जगह से घूम करके सिग्नल पहुंच जाता है तुम्हारा RF IC पर। तो कुल मिलाकर के जितना सारा सिग्नल होता है, सारी सिग्नल की कनेक्टिविटी आकर के लास्ट में RF IC तक कनेक्ट हो जाती है। तो ये जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, सारे मोबाइल फोन के अंदर इस तरीके से एंड्रॉयड मोबाइल फोन में नेटवर्क के लिए ऐसा सर्किट होता है। तो 2GPFO की पहचान, 3GPFO की पहचान क्या होने वाली दोस्तों? वो चौकोर सी होती है, एंटीना के पास में लगी होती है, और जो 4GPFO लगा होता है वो थोड़ा सा लंबा सा आयताकार शेप में लगा होता है, और जो तुम्हारी RFIC लगी होती है उसके पास में बहुत स्मॉल साइज के कंपोनेंट्स लगे होते हैं, वेरी स्मॉल साइज के कंपोनेंट लगे होते हैं चारों तरफ से, और वो मोस्टली जो लगी होती है ये आपके नेटवर्क सेक्शन के अंदर ही लगी होती है। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा आपका नेटवर्क सेक्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्क सेक्शन। तो ये आपकी RFIC लगी है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आज आपको RFIC और WTR नेटवर्क IC इन सब चीजों के बारे में बताया, ये तो हमारी RFIC है। अब एक बार मैं आपको WTR को भी दिखा देता हूं कि WTR को आप बोर्ड में कैसे पहचानेंगे। ये हमारे मोबाइल फोन में एंटीना लगा होता है, एंटीना के बाद ये पॉइंट्स आता है, एंटीना पॉइंट्स के बाद फिर ये तुम्हारा PFO लगा हुआ है, PFO के बाद अगर आप ये देखेंगे ये तुम्हारा 4G PFO लगा, ये तुम्हारा जो लगा वो WTR IC लगा, ये WTR IC। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा WTR 2965, अगर आप गौर से देखेंगे तो दिखाई भी दे रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा और गौर से, WTR 2965 ये इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद बहुत स्मॉल साइज के कंपोनेंट लगा, ये पूरा एरिया आपका नेटवर्क सेक्शन आपका दिया हुआ। तो जैसा कि दोस्तों आज मैंने आपको RF IC नेटवर्क IC के बारे में आपको बताया है, कि आपको जितनी भी सारी चीज़ें बताई हैं, मैं आपको आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेटवर्क के बारे में मैंने आपको जो भी बेसिकली आपको IC पहचान का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर हमको रिपेयरिंग तो कर रहे हैं लेकिन हम मदरबोर्ड में IC को नहीं पहचान पाते, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं आपको IC के बारे में ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, इतना IC के बारे में लॉजिकली वीडियो लेकर गया हूं कि आप बिल्कुल IC के मास्टर बन जाएंगे, इतनी बड़ी बात मैं आपको कहता हूं। लेकिन जब आप ट्रेनिंग लेंगे आकर के तो फिर आप प्रैक्टिकली मास्टर हो जाएंगे, बिल्कुल काम करके ही देंगे।
कोई भी मोबाइल फोन के अंदर फॉल्ट है वो आपसे बनेगा ही बनेगा, ये बात मैं आपको सर्टिफिकेट के साथ कह रहा हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो समझ रहे हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आती है तो मैं फिर आपसे बात कहना चाहता हूँ, आप नीचे नंबर पर मैसेज करें कॉल करें, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आती है कोई समस्या आती है तो भी आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम सब रिपेयरिंग करने वाले हैं, हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे तभी आप अच्छी तरीके से सीख करके खड़े हो पाएंगे। और किसी पर्सन को अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोई अच्छे से अगर जानकारी लेना चाहते हैं, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में सीख करके मास्टर बनना है तो भी अगर आप चाहें तो हमारे पास सजेस्ट कर सकते हैं और मेरे पास आकर के बंदा ट्रेनिंग ले सकता है। ये जो ट्रेनिंग सेंटर पड़ता है ये कानपुर के सागर मार्केट में पड़ता है, सागर मार्केट जो मोबाइल फोन की सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ पर दुनिया जान के जितने भी सारे मोबाइल फोन है सारे मोबाइल फोन बनने के लिए आते हैं, लोग झोला भर भर के मोबाइल फोन लाते हैं बनवाने के लिए कि मोबाइल फोन हमारा ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जितने सारे बच्चे होते हैं वो जब मोबाइल फोन को ठीक करते हैं तो उनको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाता है, काम करने का मौका मिलता है, और सीखने के साथ साथ उनको ऑन मोबाइल फोन में भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है ताकि उनको काम करने के बाद उनको कभी कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में जुड़े जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा समझ में आता है तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एक अच्छा सा पॉजिटिव मैसेज करें ताकि अगर मैं भी समझूं कि अगर आपको मैं कोई चीज़ समझा रहा हूँ आपको सिखा रहा हूँ तो आपको वाकई में समझ में आ रहा हो, और मेरा सीखने सिखाने का दोनों का जो आपका मेरा माध्यम है कि मैं आपको अच्छा सिखाना चाहता हूँ तो वो मेरा कहीं ना कहीं सफल हो सके और मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।